तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ चुका हूं मैं आज एक अच्छी सी लोकेशन पर इस फोन का एक कैमरा टेस्ट वीडियो लेकर के। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A35 और पूरी तरीके से आज हम इसका कैमरा टेस्ट करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका कैमरा कैसा है और कैसा नहीं है, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इसके बैक में हमें तीन कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलता है। पहला है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। और तीनों ही कैमरे की क्वालिटी हम चेक करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है गैलेक्सी A35 के बैक कैमरे से और ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं वो भी इसी गैलेक्सी A35 के माइक से आपको सुनने के लिए मिल रही है। उस समय मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ जिससे आपको OIS का अंदाजा लग जाए। और ये जो कैमरा है बैक, ये रिकॉर्ड कर सकता है 4K 30fps तक। लेकिन इसका एक मेन पॉइंट है, जब आप इसमें Full HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो यहीं से आप कर सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक्सपोजर का अच्छी तरीके अंदाजा लग जाएगा और अपने सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके स्किन टोन का भी अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा। और UX पर भी जा सकते हैं, यहीं से आप इसके मेन कैमरे पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन जब आप 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं कर पाएंगे और यहीं से आप इस पर भी आकर के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जब आप इसमें 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये सिर्फ तभी काम करेगी जब Full HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और जब यहाँ पर सामने सन आ जाता है और उस टाइम अगर ह्यूमन है तब तो इसका कैमरा काफ़ी अच्छे तरीके काम करता है। ये देखिए इस तरीके से इसका HDR काम करेगा, जो स्किन टोन वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखता है पीछे सन उसके बावजूद। लेकिन जब सामने कोई पर्सन नहीं होगा, कोई ह्यूमन नहीं होगा, तो इस टाइप से ये कुछ काम करेगा और इसका जो शैडो पार्ट है ये थोड़ा सा दबा नजर आएगा। लेकिन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, कोई ह्यूमन होगा, तो उस टाइम पर यह काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब रिकॉर्डिंग करेगा। और यहीं से एक बार हम वाइड एंगल को ये देखें, जब आप वाइड एंगल पर भी स्विच करेंगे फिर भी आपको क्वालिटी काफ़ी हद तक ठीक मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला जो HDR का है वो गड़बड़ा जाता है, इसकी जो वीडियो क्वालिटी वो अंडर एक्सपोज हो जाती है। मेन कैमरे पर रहेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब निकल करके आती है। और यहीं से 2x पर भी देख लेते हैं, इस तरीके से आपको कुछ इसकी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। तो कैसी वीडियो क्वालिटी आपको लगी और कैसी इसकी माइक क्वालिटी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सैमसंग गैलेक्सी A35 के फ्रंट कैमरे से 4K 30fps पर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, कितने अच्छे तरीके से इसने स्काई को मेंटेन कर रखा है और कितने अच्छे से इसने मेरा स्किन टोन को ले रखा है। और मैं अब अगर पीछे साइड को थोड़ा सा वॉक करूं तो इसकी वीडियो का स्टेबिलिटी का भी अंदाजा लग जाएगा मेरे हिसाब से, कि इसकी जो वीडियो की स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब देखिए, मेरे सामने सन है तो कुछ इस तरीके से स्किन टोन यानी ह्यूमन का स्किन टोन दिखाई देगा। और पीछे भी आप डिटेलिंग देख सकते हैं, मेरी बियर्ड पर, मेरे हेयर पर काफ़ी अच्छी इसने डिटेलिंग कर रखी है। लेकिन अब अगर मैं इस साइड आ जाऊँ, मेरे पीछे साइड को सन है तो इस साइड से और इस साइड से आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो मामला है गड़बड़ा गया। लेकिन मैं जब ऐसे करूंगा तो सन तो पीछे से आ रहा है, अब यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, तो आप स्किन टोन देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। बस ये है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो जो एक्सपोजर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। और ये जो आप वॉइस सुन रहे हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी A35 के ही माइक से आपको सुनने के लिए मिल रही है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसके फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, ये वीडियोग्राफी इसी के बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है और ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं वो भी इसी के माइक से आ रही है। ये वीडियो 4K 30fps पर रिकॉर्ड हो रही है। इस समय यहाँ पर ठीक ठाक लाइट कंडीशन की वजह से इसमें एक भी % की नॉइज नहीं आ रही है। हालांकि इतनी भी लाइट अच्छी नहीं है, बट जरा सी भी हमको यहाँ पर नॉइज देखने के लिए नहीं मिली। अब मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ जिससे आपको स्टेबिलिटी का अच्छा खासा अंदाजा लग जाए। बाकी अगर मैं स्किन टोन की बात करूँ तो स्किन टोन इसने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रखा है। मेरे अगल बगल की जो डिटेल है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ले रहा है। तो ये वीडियो इसी फ़ोन के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पर हमको आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत मेरे इस साइड को नॉइज़ देखने के लिए मिलेगी, इवन इस तरफ भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर मैं स्किन टोन की बात करूँ तो उसको इसने काफ़ी अच्छी तरीके हैंडल कर रखा है। पीछे से जो लाइट आ रही है आप उसको भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रखा है। मैं जरा सा वॉक करता हूँ जिससे आपको एक अच्छा सा अंदाजा लग जाए कि इसकी नाइट में भी वीडियो कितनी स्टेबल रहती है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको इसकी नाइट टाइम वीडियोग्राफी कैसी। ये इस डिवाइस का माइक्रोसॉट, नो डाउट माइक्रोसॉट ये काफी अच्छे क्लिक करता है। इवन इस फ्लावर पर लगी धूल के एक एक कण आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और यह है इसका वाइड एंगल शॉट में ये काफी ज्यादा वाइड एरिया को कवर करता है। लेकिन जब सामने कोई ह्यूमन होता है तो वहां पर साइडो पार्ट को थोड़ा सा दबा देता है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज टाइप लगने लगती है। और यह है इसका पोर्ट्रेट शॉट काफी अच्छे तरीके से क्लिक करता है। एडजस्ट पर आप नजर डालेंगे तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं
ज्यादा ऐसा ब्लर आ जाता है तो लगता है कि एआई के द्वारा जनरेट करा गया है। और यह है इसका मेन कैमरे का शॉट। यहाँ पर इसका एचडीआर काफी तगड़ा काम करता दिखाई दे रहा है। डिटेल्स की बात कर लें, चाहे एक्सपोजर की बात कर लें, चाहे स्किन टोन की बात कर लें, काफी अच्छी तरीके से क्लिक करा है और क्लोज टू नेचुरल की तरफ रखा है इस इमेज क्वालिटी को। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। यह है दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे से ली हुई सेल्फी। यहाँ पर मैं काफी इंप्रेस हुआ, इसने जो कलर को निकाल करके दिखाया है वो काफी क्लोज टू नेचुरल भी रखा है और जो डिटेल आप देखेंगे वो भी काफी अच्छी, बावजूद उसके कि ये सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। और यह है इसी सेल्फी का पोर्ट्रेट शॉट। इसको भी अगर हम इसके बैक कैमरे के पोर्ट्रेट शॉट से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एआई द्वारा ऐसा लगता है कि जनरेट करा गया है, लेकिन यहाँ फ्रंट कैमरे में ऐसा नहीं है। मामला यहाँ पर थोड़ा सा उलट है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वाकई में किसी कैमरे से इस पिक्चर को क्लिक करा गया है। तो डे लाइट में ये काफी अच्छी सेल्फी ले लेता है, लेकिन नाइट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नॉइज आती है वीडियो में भी और पिक्चर्स क्वालिटी में भी। तो दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं मैं इस फोन के बारे में, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि 31,000 रुपए की प्राइस में इसके मैक्रो शॉट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसके पोर्ट्रेट शॉट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इवन वाइड एंगल भी बहुत अच्छा आता है। तो कैमरे के मामले में सैमसंग ने इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से काम करा है। और फिर ये वाटरप्रूफ भी है, अगर आप पूल साइड वगैरह जाते हैं तो वहां पर भी इसको यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में।